चारों सुखी जीवन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा ज़बरदस्त और बहुत ही आसान नुस्खा बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आप मुहासे और मुहासों के पड़े हुए दाग धब्बों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, शायद आप जानते होंगे, सदियों से लोग मुहासों के इलाज के लिए, मुहासे और उसके दाग धब्बों को जड़ से मिटाने के लिए शहद का इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं। दोस्तों, मुहासों और मुहासों के दाग को ख़त्म करने के लिए शहद सबसे उत्तम है। शहद का उपयोग मुहासे और उसके दाग से छुटकारा पाने के लिए इसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, जिनमें से हम दो नुस्खे, दो तरीके आपको बताने जा रहे हैं जो आपके काम आ सकते हैं, और ये दोनों नुस्खे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। पहला नुस्खा, दोस्तों, सिर्फ शहद को मास्क के रूप में, फेस मास्क के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मुहासों का इलाज करने में सबसे इफ़ेक्टिव और उत्तम इलाज है। दोस्तों, जिससे कि आपके चेहरे के रोम छिद्र हैं वो खुल जाते हैं शहद के इस्तेमाल से, और शहद के रोगाणुरोधी गुण के कारण रोगाणु पनप नहीं पाते हैं। इसके अलावा शहद त्वचा को नरम, चिकनी और चमकदार रखने के लिए बहुत ज़्यादा मददगार है। आप इसे शहद को अपने चेहरे के ऊपर 10 मिनट के लिए अच्छे से लगाकर छोड़ दें, और उसके बाद चेहरे को 10 मिनट के बाद चेहरे को साफ पानी से और ठंडे पानी से धो लें। इसमें ध्यान आपको एक बात का रखना है दोस्तों, कि शहद जो है वो शुद्ध होना चाहिए। यदि आर्टिफिशियल या चीनी से बना हुआ शहद आपने यूज कर लिया तो उससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। शुद्ध शहद लें और उसका अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल करें। आप देखेंगे कि कुछ दिनों में आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल उठेगा और आपके चेहरे से मुहासे और मुहासों के पड़े हुए दाग धब्बे जड़ से समाप्त हो जाएंगे सिर्फ एक हफ्ते के इस्तेमाल से। और दोस्तों, यदि आपको इसका बहुत ज़्यादा जल्दी और अच्छा रिजल्ट चाहिए तो आप इसको रोज़ यूज कर सकते हैं, और नहीं तो आप हफ्ते में इसको कम से कम 3 दिन तो ज़रूर इस्तेमाल करें, तो आपकी जल्दी आपके चेहरे से मुहासे और मुहासों के दाग धब्बे ख़त्म हो जाएं। और इसी तरह का एक नुस्खा हम आपको दूसरा बता देते हैं जो शहद का ही है, शहद से ही बनेगा। इसके लिए आप ताजे दूध के 2 बड़े चम्मच लें। दूध बिना बॉयल किया हुआ होना चाहिए, यानी कच्चा दूध होना चाहिए, और इसके साथ 2 बड़े चम्मच शहद के लें, 1 नींबू का रस ताज़ा निकला हुआ, और 1 चम्मच दही, और उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी मिलाते हुए एक लोशन तैयार करें। जब ये लोशन तैयार हो जाए, यानी एक मुलायम सा और गाढ़ा सा लेप बन जाए, तो आप इस लेप को अपने चेहरे के ऊपर लगाएं, और इसको भी आप 10 मिनट लगाने के बाद अपने चेहरे को ठंडे पानी से धो लें। दोस्तों, ये जो चीज़ें हमने आपको बताई हैं सारी चीज़ें आपकी किचन में मौजूद होंगी। आप इस दोनों में से जो भी आपको नुस्खा आसान लगे उसे आप कर सकते हैं, और अपने चेहरे से मुहासे और मुहासों के पड़े हुए दाग धब्बों को हमेशा के लिए गायब कर सकते हैं। ये दूसरा वाला जो नुस्खा है, इसे भी आप चाहें तो रोज़ कर सकते हैं, और कम से कम हफ्ते में 3 बार तो इसको ज़रूर करें, ताकि आप बहुत जल्दी मुहासे और मुहासों के पड़े हुए दाग धब्बों से छुटकारा पा लें। इसके साथ हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं हुआ है, इसलिए आप बिना किसी चिंता के इस नुस्खे को इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपका चेहरा फिर से खूबसूरत हो जाए। दोस्तों, यूँ तो मार्केट में और कई तरह के प्रोडक्ट उपलब्ध हैं जिनसे मुहासों को ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन उनमें केमिकल होने के कारण आपके मुहासे ठीक नहीं होंगे और आपकी इस चेहरे की स्किन ख़राब हो जाएगी और मुहासे ज़्यादा फैल जाएंगे। इसलिए दोस्तों, घरेलू नुस्खों पर ज़्यादा भरोसा करें, उनके ऊपर विश्वास करें और इनको इस्तेमाल किया करें, ताकि आपसे आपको इससे चेहरे की स्किन को नुकसान ना हो, और जिस काम के लिए आप इनको यूज करते हैं वो काम भी आपका हो जाए। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारा ये वीडियो और बताए गए नुस्खे आपको अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनके आसान से उपायों के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।